सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो एंड आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि गणेश चतुर्थी आ रही है एंड गणपति जी को उनके पसंदीदा मोदक ना चढ़े भोग में ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई एकदम बढ़िया तरीके से बनने वाले मोदक की रेसिपी। तो सबसे पहले एक पैन में आप ले लेंगे एक टेबल स्पून घी एंड घी के गर्म होते ही आप उसमें ऐड कर देंगे एक बॉल बेसन। हमें क्या करना है, बेसन को जो है लो फ्लेम पे अच्छे से रोस्ट करना है एंड कंटिन्यूसली हम इसको स्टिर करते रहेंगे ताकि ये जले ना बिल्कुल भी। बेसन को आप छान के भी रोस्ट कर सकते हैं या रोस्ट करने के बाद भी छान सकते हैं। देख सकते हैं इस तरीके से जब बेसन जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आप जो है फ्लेम को ऑफ कर लेंगे एंड बेसन को जो है एक बर्तन में निकाल लेंगे। बेसन को निकालने के बाद सेम पैन में जो आप थोड़ा सा घी ऐड करके जो है लगभग एक चौथाई बॉल जो है वो सूजी का ऐड करेंगे। सूजी को हमें लो फ्लेम पे रोस्ट करना है एंड इसका जो कलर है वो वाइट ही रहना चाहिए, बस इसका जो कच्चापन है वो खत्म हो जाना चाहिए। सूजी के रोस्ट होते ही अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बारीक कद्दूकस किया हुआ नारियल। आप चाहें तो आप फ्रेश नारियल यूज भी कर सकते हैं या फिर सूखा नारियल जो गोला होता है उसको भी यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें मैंने ऐड कर दिए बारीक कटे हुए बादाम एंड अगर आप चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा घी भी ऐड कर सकते हैं, बट अभी जो घी ऐड करेंगे वो ऑप्शनल रहेगा। तो अच्छे से मिक्स करेंगे एंड लो फ्लेम पे जो है कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें जो एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने सिर्फ बादाम और नारियल ऐड किया है, आप चाहें तो आप पिस्ता, काजू, किशमिश अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो जब सूजी और ड्राई फ्रूट्स एक दूसरे के साथ अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं तो आप क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ करके जो इसमें बेसन को छान के ऐड कर लेंगे ताकि उसमें कोई लंप्स ना रह जाए। साथ ही साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लगभग 1/4 बॉल दूध और उसी में थोड़ी सी मलाई भी मिक्स है, तो मींस एकदम गाढ़ा दूध है ये। तो इसको जो अच्छे से मिक्स करने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे लगभग 1/4 बॉल चीनी का। चीनी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। चीनी ऐड करने के बाद लो फ्लेम पे जो है अच्छे से पकने देंगे इसको ताकि चीनी जो है धीरे धीरे मेल्ट होकर जो है वो बेसन के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर आपको एकदम ये सूखा सूखा लगेगा तो आप इसमें थोड़ा सा और दूध ऐड कर सकते हैं। तो लो फ्लेम पे 8 से 10 मिनट जो है इसको अच्छे से मेल्ट होके चीनी को जो मिक्स होने देंगे एंड आप चाहें तो थोड़ा सा दूध भी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो ठंडा होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो हल्का ठंडा होने पे अब बारी है इसको शेप देने की। अगर आपके पास सांचा नहीं है मोदक को शेप देने वाला तो कोई टेंशन नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ दैट हाथ से कैसे आप इसको शेप दे सकते हैं इजिली। तो जैसे आप लड्डू को गोल करते हैं उस तरीके से गोल करने के बाद, इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ उस तरीके से अगर आप करेंगे तो इसको बढ़िया शेप मिल जाएगी मोदक की। इसी तरीके से आप अपने सारे मोदक जो है तैयार कर लेंगे। सो आई होप गाइज आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। इस गणेश चतुर्थी में आप ज़रूर इस बेसन मलाई मोदक की रेसिपी को ट्राई करें एंड मुझे कमेंट्स में बताएं दैट आपको ये रेसिपी कैसी लगी। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे से मेरी हर न्यू रेसिपी की आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।